नमस्कार केएमएन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डुंगरी से 2 किलोमीटर दूर के लिए जहाँ दादा फाउंडेशन का है। तो आज हमारे साथ है दादाजी, तो आज हम उनसे बात करेंगे। पहले तो हम उनको आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। आपको आपकी जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। ये जो यहाँ इतने लोग हैं वो कितने दिनों से हैं? सबसे पहले तो दादा श्री फाउंडेशन की तरफ से आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद कि आप भी बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में रख के लोगों की सेवा के लिए और जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था करने के लिए आप लोग दौड़ कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि साहब यहाँ बहुत से लोग रुके हुए लेकिन प्रशासन भी अपनी तरह स्तर पर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और चिकित्सा कार्य भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इन सब के लिए रहने की खाने की सब व्यवस्था दादा श्री फाउंडेशन में की गई है और सब जने खुश हैं। सर इन लोग को जो यहाँ जब लॉकडाउन चालू हुआ था तब से ये लोग यहाँ पे कितने आदमी हैं? दीदी पहले दिन जब ये लॉकडाउन के बाद वैसे जैसे मोदी साहब ने बताया कि भाई देश को थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, आवागमन बंद होगा, तो 24 तारीख के बाद इन लोगों का आना चालू हुआ था। वैसे गिनती इस तरह से होती कि पहले बार जब ये लोग आए थे तब तकरीबन नहीं तो 300-400 तक तकरीबन थे। फिर बाद में सरकार ने ये सोचा कि सब अगर एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगे तो तकलीफ आ सकती है, तो इन सबको भी धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे व्यवस्था की। फिर भी यहाँ कम से कम 100 से 150 के तक तकरीबन लोग रुके हुए हैं दीदी और उनको अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं। यहाँ जो आदमी लोग हैं जी दीदी, ये बात भी आपकी सही है, पूछने जैसी है कि ये लोग यहाँ से नहीं है परंतु ये कुछ महाराष्ट्र में नंदुरबार और धुलिया जिले के भी है, कुछ यूपी के भी है और कुछ ऐसे MP इंदौर में जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और कुक्सी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी बहुत है। सर ये अपने आप यहाँ पे आए थे तो उनके आने बाद उनकी डॉक्टरी जांच की गई थी क्या? जी दीदी, ये जैसे ही यहाँ जो जो आने लगे ना, जो उनका कारवा आने लगा, क्योंकि वो डॉक्टरी टीम यहीं बैठी हुई थी, एम्बुलेंस लेके बैठी हुई थी और उनको जैसे ही अंदर एंट्री दे रहे थे पहले उनको सब चेक कर रहे थे, उनको बाद उनको एंट्री दी गई, सैनिटाइजर किया गया और उनको सबको साबुन दिए गए नहाने धोने के लिए और ये धीरे धीरे ये लोगों का आना चालू हुआ। सर जो आप ये संस्था चला रहे हैं तो आप मतलब काम लेते हैं या अपनी तरफ से ही करते हैं? दीदी ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक प्रशासन से कुछ भी नहीं मांगा है कि भाई आप हमको खाने के लिए पैसे दीजिए। खाने की व्यवस्था जो है अपनी संस्था ने दादा श्री फाउंडेशन ने की हुई है, इसमें जो हमारे सहयोगी भक्त जो है गांव में जो हमारा रोड़ा गांव है वहाँ से भी हमें सहयोग मिलता है और हम लोग खुद प्राइवेट मिलकर सब जने खाने की व्यवस्था करते हैं। प्रशासन इनकी हेल्थ की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और दिन रात प्रशासन इसी काम में लगे हुए हैं कि इनको कोई तकलीफ ना पहुँचे और दादा श्री फाउंडेशन खुद कोशिश करता है कि रोज़ हम इनको सात्विक और आरोग्यप्रद खाना खिलाते हैं। सर आप जो यज्ञ की बात कर रहे हैं तो यज्ञ हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये यज्ञ क्यों करना चाहिए? दीदी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले से ही अपने गीता में भी तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग यज्ञ से भरा हुआ है। पर्यावरण को अगर बचाना है या अगर अपने को जलवायु को स्थिर रखना है अथवा इस जहरीले बैक्टीरिया को नष्ट करना है तो उसका श्रेष्ठ माध्यम जो है तो वो है यज्ञ दीदी, और यज्ञ के माध्यम से आप और हम सब मिलकर इस रोग से काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मैं दादा से खुद दुनिया भर में यज्ञ करता हूँ, 12.5 लाख आज तक मैंने यज्ञ किए। मैं यज्ञ के बारे में ये कहता हूँ कि यज्ञ को वेद और विज्ञान दोनों मान्यता देती है और वेद और विज्ञान यही कहते हैं कि यज्ञ से पर्यावरण और मानव जीवन का संतुलन बना रहता है। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप और हम सब इस पृथ्वी के मेहमान हैं, मालिक नहीं हैं, तो आप और हम सब मिलकर इस पृथ्वी के मारे मेहमान हैं तो इसका जतन करें और यज्ञ द्वारा जलवायु और पर्यावरण की रक्षा करें। आपका नाम? रमेश कुमार। आप कहाँ से हो? राजस्थान के। और यहाँ कितने दिन से हो? 15-16 दिन हो गया। यहाँ आपको जो सुविधा मिल रही है आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत तो कुछ नहीं है, गाँव में तकलीफ है क्या है, सब लोग परेशान हो गया है, फंस गए इधर, इसके लिए गाँव वाले परेशान है सब। मतलब यहाँ जो आपको सुबह से शाम तक जो सुविधा मिलती है वो अच्छी मिलती है ना? हाँ सुविधा तो बहुत अच्छी मिलती है। पिछले 20 साल से दादा श्री ने अपनी संस्था की ओर से सेवा देते आ रहे हैं और यहाँ जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ कितने लोग यहाँ आए गए और अभी भी यहाँ 100 से ज़्यादा लोग को अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। सुबह खाने पीने के साथ उनको शाम को मनोरंजन का भी उसकी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे लोग हैं जो आज ऐसे विकट समय में भी आज सामने आकर अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे और वो भी बिना किसी की मदद के बिना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे KMNews TV चैनल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।